तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू करेंगे। थोड़ा छुप छुप के बात आपसे कर रहा हूँ क्योंकि किंजल को पता ना चले, वो सुन ना जाए, और उसके पीछे आज ऐसी थोड़ी धमाल मस्ती होने जा रही है जो इससे पहले नहीं हुई होगी। हालांकि मेरा यूके जाने का प्लान पहले बना था, मैं आपको बोलने भी वाला था, लेकिन कुछ रीज़न के हिसाब से मैं नहीं गया। लेकिन किंजल को तो पता ही था कि एक दिन यूके प्लान मेरा फाइनल होने वाला है, लेकिन मैंने उसको बोला था कि भाई तब नहीं जाएंगे, बाद में जब मेरा सारा पूरा काम काज यहाँ का सेटल हो जाएगा उसके बाद में जाऊँगा, उनको ऐसा बोला था। तो हालांकि जाना तो नहीं है अभी क्योंकि यहाँ का काम ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, लेकिन उनको ये बोलना है कि मुझे यूके जाना है और वहाँ पे एक अच्छी जॉब लगी है, मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था और मुझे एक साल तक वहाँ पे रहना पड़ेगा। एक साल वहाँ पे रहने की बात आएगी उसके बाद, और पूरे दिन आज उसको बताना नहीं है, रात को गरबा तक, वरना गरबा भी अच्छे से खेले ना खेले पता नहीं, उसका रिएक्शन देखकर हमें पता चलेगा कि वो क्या सोचेगी, ठीक है। अभी किचन में वो खाना पका रही है तो हम वहाँ पे चलते हैं और उनको ये बताते हैं। हालांकि मैं ब्लॉग वहीं से वापस शुरू करूँगा, वापस गुड आफ्टरनून आपको बोलूँगा क्योंकि उनको लगेगा कि ब्लॉग यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है। बिग सरप्राइज़ के साथ उनके पास जाऊँगा और उनको बोलूँगा कि एक साल तक मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा, तो फिर क्या होता है वो खास देखने लायक होगा। और पूरा दिन थोड़ा उसको डराना है, थोड़ा बताना है कि अब हमारा दोनों का अलग रहना पड़ेगा, आई थिंक सो इन फ्यूचर भी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एक धमाकेदार मस्ती करने के लिए। किंजल का रिएक्शन क्या आता है, पूरा दिन आज उसको थोड़ा मरोड़ेंगे मचोड़ेंगे ताकि मज़ा आ जाए, ठीक है, आपको भी मुझे भी, फिर उनको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देर की। तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी चलते हैं किचन में, बस गरबा खेलते हैं और दिन प्रसार करते हैं, किंजल के पास चलते हैं क्योंकि कुछ ऐसी गुड न्यूज़ हमें मिली है जिनसे आपको भी, किंजल को भी, सबको बहुत ही मजा आ जाएगा। तो किंजल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो बस हमारा जो और तुम्हारा दोनों का सपना था कि मैं जल्दी जल्दी यूके जाओ, तो यूके जाने का फाइनली प्लान आ चुका है। सब किया। मतलब अब सुबह से क्या कर रहा था, सुबह से फोन मेरा चल रहा था, तुमने पता है ना मेरा भी, दीदी का कॉल आया था। हाँ, तो वहाँ पे सब फाइनल हो चुका है, सारा वीजा की प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे मेरा फ्रेंड है, उसने बोला कि आपको यहाँ पे अच्छी जॉब लग सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिस तरह ड्रामा में था ना, ड्रामा में कितना टाइम लगेगा। हाँ, मतलब उसने बोला है कि कम से कम आपको एक साल यहाँ पे रहना पड़ेगा। नहीं, वो एक वर्ष तो नहीं। तो एक दिवस मारा मटन जाता था, एक वर्ष तो केम जाए। अपने काम के लिए जाना है तो उसमें थोड़ा तुम मना कर सकते हो, पूरा दिन तुम्हारे पल्लू से बंध के रखोगी क्या? हम 3 साल से साथ में रहते हैं ना, तो मुझे हैबिट हो गई है आपके साथ रहने की। अच्छा, मैं अकेले नहीं रह पाऊँ। तो पूरा एक दिन बाहर जाते हो तो भी फोन करती है। अब देखो, एक साल मुझे बाहर रहना पड़ेगा अभी, तो तुम सोच सकती हो तुम्हें किस तरह जीना पड़ेगा। नहीं, नहीं, तो थोड़ी नहीं, आदत डालनी पड़ती नहीं, है। नहीं, नहीं, सब लोग बाहर जॉब करते हैं ना, पूरा दिन जाते हैं, तो मैं हूँ कि घर पे पूरा दिन रहता हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए आदत लगी, लेकिन अभी मेरी आदत थोड़ी थोड़ी कम कर दो। तो क्या रहना की करूँ? आज सुबह सुबह अभी देखो, गुड आफ्टरनून में ब्लॉग शुरू किया तो सुबह सुबह सब यही प्लान चल रहा था मेरा। अरे मैं कहा झूठ बोल रहा हूँ, मेरा बीच में हमारा क्या फाइनल हुआ था कि मैं, ये सब कौन संभालेगा घर का, घर का यहाँ पे और फार्म का वो सब। वहाँ पे मैं वहाँ, अरे वहाँ पे तो ब्लॉगिंग मैं करूंगा ना, घूमूंगा फिरूंगा, ऐश करूंगा वहाँ तो ब्लॉग। मतलब मैं अकेला और मेरा फ्रेंड सब लोग,
फ्रेंड्स कौन है आपका वहाँ पे? फ्रेंड्स वहाँ जाके आपका माइंड चेंज हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरा लड़की में चक्कर में आ गए तो मैं क्या करूँगी? मेरा माइंड चेंज हो गया वहाँ पे जाता है वहाँ, मतलब एटमोसफियर ऐसा होता है ना? नहीं नहीं वातावरण ऐसा होता है? नहीं नहीं वातावरण कैसा भी हो भाई, यू कैसे आप देख रहे हो तो वातावरण ऐसा कुछ नहीं होता कहीं पर भी। हमारा मन अच्छी अगर लड़की मिल जाए, अच्छी लड़की दे, तुमसे ज्यादा अच्छी कहाँ पर भी मिलेगी? होती है ना दर्शक, कहीं पर भी नहीं होती, सब जगह होती है। अरे ऐसा नहीं, अगर होगी तो भी मैं तुम्हें पूछूंगा। नहीं नहीं करवानो क्या थी तो पूछो मत, मौका दे दियो। नहीं उधर जाना पड़ेगा किंजल, आ तो मैं गुड न्यूज तुम्हें देनी थी इसलिए दे दी। मेरे लिए गुड न्यूज नहीं, मेरे लिए बार बार मौका नहीं मिलता किंजल, मेरे लिए बैड न्यूज है, आपके लिए गुड न्यूज होगी। तुम नहीं चाहते कि हमारा घर पे अच्छा हो, आगे बढ़ू? मैं आगे बढ़ू लेकिन वहाँ नहीं जाना, यहाँ पे सब करना है दर्शक। यहाँ पे सब अच्छा ही हो रहा है तो अभी वहाँ जाके क्या करोगे? भले वहाँ पे हमें अच्छी जॉब मिल गई इन फ्यूचर, मैं तुम्हें वहाँ पे बुला लूंगा बस। नहीं नहीं मारा नहीं था दर्शक, नहीं मैं तुम्हें वहाँ पे बुला लूंगा अगर अच्छा टाइम आ जाएगा ना। मैं एक दो साल के वहाँ पे रहूँ, पहले तो 1 साल और अभी 2 साल के बाद, मतलब वहाँ पे रहूंगा फिर यहाँ पे मेरी आदत निकल जाएगी, फिर छोड़ के चले जो बाहर जाते हैं ना एक बार उसे यहाँ पे फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा प्लान ऐसा है कि मैं आगे वहाँ पे सेटल हो जाऊँ। तो तुम्हें आना है तो तुम्हारी मर्जी, छोड़ के चले जाओगे मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा जो वहाँ पे फ्रेंड है ना वो 20 साल से वहीं रहता है, मेरा ब्लॉग देखते हैं, उसने बोला दर्शक भाई आप इधर आ जाओ बहुत ही बढ़िया, रूही आरोही तुम संभाल लो। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, सब यहाँ पे रहना है और यहाँ पे सब करना है जो कर रहा है। किंजल जाना तो पड़ेगा किंजल, वो दर्शक आओ नहीं, ऐसा नहीं है किंजल, हमें बाहर जाना है तो वहाँ कुछ तरक्की होगी, जो घर पे पड़ा रहता है वो तरक्की नहीं करता, बाहर जाएंगे तो कुछ तरक्की होगी, 5 लोग जानेंगे कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे नहीं है कुछ है लेकिन वहाँ पे ज्यादा होगी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मेरे लिए तो अच्छी बात है, बार बार मौका नहीं मिलता। हाँ सच ही बोल रहा हूँ, बार बार कसम कसम, उसमें क्या कसम, कसम बीच में आ गए कसम, मैं क्या तुम्हें पता है ना किसी के नहीं कहता, और कसम खा ली तो भी वो थोड़ी ना ऐसा अच्छा सच्चा हो जाएगा, इसलिए जो है। और मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा, 6 महीने जाऊंगा बस, 6 महीने में वापस आ जाऊंगा तुम्हें मिलने के लिए। मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता। हाँ तो तुम यहाँ पे रहना, मैं वहाँ पे रहूंगा। नहीं नहीं यूँ नहीं दर्शक, यहाँ नहीं नहीं जाऊ पड़े तो जाऊ पड़े, अपना काम मटे बार बार मौका नहीं मिलता। किंजल वो भैया ने बोला कि आपका यहाँ पे इतना सारा पैसा कमाओगे, मेरा वो ड्रामा का पूरा है ना, अब राइटिंग का ड्रामा का वहाँ के बहुत वैल्यू है वहाँ पे, उसमें सबसे ज्यादा। ब्लॉग का कब करोगे? ब्लॉगिंग ब्लॉग में मैं वहाँ पे तुम दिख, वहाँ पे हर रोज तुम मुझे देख पाओगे। किसका शूटिंग करोगे आप? मैं मेरा करके दिखाऊंगा, वहाँ पे जो काम करता हूँ वो दिखाऊंगा। झूठ बोल रहे दर्शक। नहीं तो काय कुछ बात नहीं, जब वो आ जाएगा ना फाइनल लेटर तब मैं तुम्हें बता दूंगा। नहीं दर्शक हूँ फाइनल लेटर आवे तो मैं हाँ आऊ नक्की करना खानू। हाँ तो पण थियो जे थू करू किंजल? नहीं एक दिवस है नहीं, एक वर्ष नहीं पण एक दिवस है नहीं, मारे नहीं नो जोई बधू। हाँ तो जोईए जोईए, चलो थई गयो थई गयो, एच करो, थई गयो थई गयो, काम करो तारू बराबर, बोलता नहीं मार साथ। हाँ तो नहीं बोल, ओके हम तो हवे एक वर्ष क्या बोलवानो, फोन करीने जेवू ते बोल छु। જાઓ પછી રોજ મને મૂકીને ક્યાંય નથી જવા, કઈ ના થાય એટલે છે, હું તો પાછો આવતો રહેવાનો, તને ખબર તો છે નહી, એટલે ચિંતા નહીં કરવાની, ક્યારેક કામ થી જવું પડે પછી, હા આખો દિવસ કામ તો અહીંયા થાય જ છે, બધું ચાલુ જ છે ને અહીંયા, હા પણ થાય છે પણ સારું થાય એમ, બધું સારું, આપણે સારું નથી કરવું, જેટલું છે ને એમાં સંતોષ રાખો, ના સંતોષ જ છે આ તો, મેં બધું સારું થાય, ના 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 કિંજલ જવું પડે, એક વર્ષ છે નઈ, એક વર્ષ નહીં બે દિવસ, તો જલ્દી આવતો રહે, 3 મહિનામાં આવતો રહે, ના આવે હું 3 મહિનામાં આવે દર્શક, 3 મહિના તો થઈ ગયા, નહીં નથી જવાનું, અહીં બધું સરસ ચાલે છે ભગવાનની દયાથી, એટલે ક્યાંય નથી જવું, એટલું છે ને એટલું કરા કરે ને, બહુ વધારે સપના ન જોવાય, હરમર છોડછો કરી નથી છોડવા, જાઓ રોડાઈ દીધી મને, કેવો છે ને હાવ, પપ્પાને જ કેવું છે મારે, જવાના લંડન, કેવું છે હા પણ મારે વચ્ચે આપણે જવાનું હતું ત્યારે તો બહુ હા પાડતી હતી, ત્યારે મારું મન તો હતું જ નહીં દર્શક, પણ ત્યારે વાત થતી હતી, નક્કી નહોતું ત્યારે તો, હા તો ફાઇનલ થઈ ગયું છે, બસ જલ્દી જતો રે, બસ વિઝિટિંગ વિઝા ઉપર જાઉં છું, જલ્દી પાછો આવો, બેનને ફોન કરું હમણાં, હા તે ફોન કરું, હા તે પૂછી લેજે, એને ખ્યાલ નથી, આ તો મને મારા ફ્રેન્ડ સાથે નક્કી થયું છે, એટલે ચિંતા ના કરી દે તો બધું સારું થઈ જાય, બરાબર જાઓ બહાર છે ને, આજ પછી કઈ બોલતા तो फ्रेंड्स फाइनली पासपोर्ट निकाल दिया है
और इसके ऊपर पहला सिक्का अभी इसके ऊपर जारी होगा। तो आइए किंजल से मिलते हैं। पासपोर्ट रेडी है, जाने के लिए मैं रेडी हूँ और किंजल अंदर थोड़ी उदास में बैठी है। चलिए उनसे मिलते हैं। और दोपहर में भी मुँह लटका के खाना खाया और अभी भी लटका के। किंजल कैसी हो? किंजल मेरे से बात ही मत करो। किंजल कैसी हो? अच्छी हो ना? अच्छी नहीं। तो बाकी क्या है, मेरी तैयारी कर देना। देखो दिवाली के बाद तुरंत पहले महीने में मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? मेरे से बात ही मत करो। मतलब अभी तो हूँ मैं तुम्हारे साथ, अब तक तो मूड सही रखो। अभी ठीक नहीं रहेगा, सच में नहीं रहेगा। तो देखो ये कितनी मूड में है, इसको कितना मजा आ रहा है। तुम है कि मूड क्या पता है? हाँ तो मतलब पहले तुम बोल रही थी जाने के लिए, तब क्या प्रॉब्लम था? पहले तब तो 15 दिन में वापस आने वाले थे ना। अभी तो साल का बोल रहे हो आप। हाँ तो साल में साल यूं निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। निकल जाता है। अरे मैं वहाँ पे घूमूंगा, काम काज में इतना बिजी रहूंगा कि पता भी नहीं चलेगा। जाओ कोई वांधो नहीं, बात ही मत करो। जाना है तो जाओ, मुझे क्यों बार बार पूछ रहे हो आप? इसीलिए कि तुम्हें मेरी बैग तैयार करनी है ना, मेरा सब कपड़े बपड़े अच्छे से डालना। आप खुद करो ना। नहीं नहीं मैं ले घर की लेडीज को सब संभालना है और उसको सब करना चाहिए, ठीक है? मैं कुछ नहीं करूँगी। हाँ क्यों नहीं करोगी? बस मेरा मूड ही नहीं है। मूड ऐसा नहीं होता किंजल, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख अलग होना कभी कभी आता है। इतना नसीब अच्छा मानो कि हम अभी तक तो साथ में ही थे, पर अभी तुम्हें क्या हो गया है, मतलब जाने देना चाहिए खुशी खुशी, ठीक है? जाओ तो, मेरे से बात मत करो, कितनी बार मैंने किया। हाँ तो कोई बात नहीं, पासपोर्ट तुम्हारे सामने, पासपोर्ट रेडी किया, अभी भेज दिया है, फोटो भी भेज दिया है। दिवाली के बाद आई थिंक सो जाना पड़ेगा, ऐसा है। तो उदास होकर मत बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मुझे लैपटॉप का थोड़ा रेडी करना है और यूके जाने के लिए अभी से मुझे पूरा तैयारी करना होगा, ठीक है?